सरकारी कर्मचारियों के लीव इन्केसमेंट को लेकर इनकम टैक्स विभाग का ताज़ा नोटिफिकेशन 24 मई 2023 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट या फिर अन्य किसी वजह से नौकरी छोड़े जाने पर मिलने वाले लीव इन्केसमेंट के संबंध में। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है और जिसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड 10 के उपखंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद् द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय चाहे अधिवार्षिता अथवा अन्यथा कारणों से किसी अन्य कारणों से उनके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नगद राशि के रूप में कर्मचारियों द्वारा प्राप्य अधिकतम राशि पर ध्यान देते हुए 25 लाख रुपए की राशि को उक्त खंड में उल्लिखित कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति अधिवार्षिता अथवा अन्य कारणों से है उनके संबंध में सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट करती है। यानी कि अब यहाँ पर सेक्शन 10 के जो उपखंड 2 है उसके तहत कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक का जो लीव इन्केसमेंट है उस पर टैक्स में छूट दी जाएगी। पहले जो राशि थी ये 3 लाख रुपए थी, इसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया, यानी कि 22 लाख रुपए की बढ़ोतरी इसमें सरकार के द्वारा कर दी गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो अधिसूचना है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू मानी जाएगी, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके दौरान ये नया नियम लागू रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले लीव इन कैशमेंट के बारे में। और अब यहाँ पर जो सेक्शन 10AA है वो यहाँ पर बोलता है कि कर्मचारियों को जो मिलने वाला लीव इन्केसमेंट है उस पर टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा, कितनी जो अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड रहेगी। तो पहले ये अमाउंट 3 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो सेक्शन 10 जो है वो यहाँ पर कहता है कि एनी पेमेंट रिसीव्ड एज ए लीव इन्केसमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज अपॉन लीविंग द वर्क इज एग्जम्प्टेड अप टू द लिस्ट ऑफ द सम्स लिस्टेड इन सेक्शन 10AA2। द सीलिंग हैज नाउ बीन इंक्रीज्ड टू ₹25 लाख फ्रॉम अर्लियर ₹3 लाख। तो इस तरीके से अब यहाँ पर बढ़ोतरी सरकार के द्वारा कर दी गई है। नोटिफिकेशन का कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemployeescorner.in से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।